हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्ज़ाम जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ का पार्ट नंबर 7वां है, जो कि आपके आने वाली रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, निम्न में से किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है? तो दोस्तों बताइए, किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र ये जो है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है वह हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूर्व जिले में स्थित है। मानसरोवर झील उसके निकट होता है, जहां पर इसे क्या कहा जाता है, यरलुग तत्संग पो कहा जाता है। तिब्बत में बहती हुई ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। दूसरी नदी है सिंधु, इसके बारे में बात करते हैं। ये पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3180, इसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ है, तो वह है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका भाव नामक जलधारा है, वहां पर माना जाता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 2, कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है? तो दोस्तों सवाल नंबर 2, कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाजी अली दरगाह है। हाजी अली दरगाह है, यह जो हाजी अली दरगाह है यह मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित है, एक छोटे से टापू पर स्थित है। एक मस्जिद एवं दरगाह है और ये जो सैयद पीर हाजी अली है, ठीक है, हाजी अली बुखार की स्मृति में कब बनाया गया था? ये 1431 में बनी थी, ये कब बनी थी, 1431 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये जो दरगाह है वो मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इसके अलावा मुंबई का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कंपटीशन एग्जाम जीके को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 3, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। ये जो है क्लोरोफिल, इसे हरित लवक, प्रणहरित, प्रणहरिम या क्लोरोफिल भी कहते हैं। ये जो होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इसके अलावा ये क्या है, ये वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है और ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी है, इसी वजह से इसे फोटोसिनेथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका जो गठन होता है वो मैग्नीशियम के अलावा और जो तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं, वह तत्व हैं कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, चींटियां सामाजिक कीट हैं क्योंकि, कौन सा रीजन होता है चींटियां सामाजिक कीट के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे कॉलोनी में रहती हैं। चींटियां कॉलोनी में रहती हैं इसलिए सामाजिक कीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा।
सवाल नंबर 5, निम्न में से किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है? किसमें होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन में। आयोडीन के बारे में दोस्तों बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, तो बात करते हैं, इसको दर्शाते हैं किससे? आई से। आयोडीन को किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 53। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53, यानी 53। ये क्या है? एक रासायनिक तत्व है। जो आयोडीन है वो हमारे आहार के मुख्य जो प्रमुख होते हैं पोषक तत्व, उनमें से भी एक है। तो चलिए दोस्तों याद रखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6, इस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है? किस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है? तो वह कौन सी है? ऑप्शन बी, सोरघम। सोरगम को सबसे कम निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है। ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रमुख फसल है, इसे ज्वार भी कहते हैं। अनाज तथा चारा दोनों के लिए बोई जाती है। यह खरीफ के मुख्य फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं? ये किसमें अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए, जीवाणु में। इसका सही आंसर है जीवाणु में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 8, भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत की गई? कौन सा था? वह था ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत की गई थी। इस योजना का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था, और इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज जो मंत्रालय थे उनको एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के बारे में बात हो रही है ये, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी। इसके यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा। जो राजस्थान है दोस्तों वो भारत का राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, और माउंट आबू विश्वविख्यात तिलवाड़ा मंदिर जो है वो यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। और दोस्तों यहाँ दो बर्ड फेमस हैं, कौन से हैं? वो है बाघ अभयारण्य, दो। कौन से हैं? पहला है रणथंभौर और दूसरा है सरिस्का, जो यहाँ के लिए यहाँ पर बहुत ही फेमस है। याद रखेगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 9, ग्रामीण भूमि विहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी? तो वह किसने की थी? ऑप्शन ए, LIC ने। भारतीय, ये जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी है, LIC। LIC क्या है? भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, और देश की सबसे बड़ी क्या है? एक निवेशक कंपनी भी है, ठीक है। ये जो पूरी तरह से क्या है दोस्तों, ये कंपनी भारत सरकार के स्वामित्व में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1 सितंबर 1956 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11, मैक डोवेल कप किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12, LTO का विस्तारित रूप क्या है? LTO का विस्तारित रूप क्या है? वो है लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ये जो है सार्क, इसका मतलब होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो इसकी और इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? वह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय वो कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और जो सचिवालय है दोस्तों वो कहां पर है? वो स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ओके, वर्तमान में जो है दोस्तों सार्क संगठन में 8 सदस्य हैं, और जो सार्क की स्थापना के समय सदस्य थे वो कितने थे? तो दोस्तों वह थे 7। लेकिन अफगानिस्तान यानी 3 अप्रैल 2007 को, कब अफगानिस्तान कब जोड़ा गया? 2007 को, 3 अप्रैल 2007 को इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, अब 8 सदस्य हैं, उनके नाम क्या क्या हैं बताइए? तो दोस्तों वह हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14, आपातकाल की घोषणा किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो वह कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद था, वह आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति था। यह जो था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का जो था वो 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। जो तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352, कौन सी धारा लगाई थी उसने? 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यानी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने 352 की धारा के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में नहीं है? वो है ऑप्शन डी यानी जुआ। राज्य सूची में जो है वो राज्य सरकार कार्य करती है, वही सम्मिलित होते हैं इनमें। कार्य इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं वो अपने इनमें आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत वह आते हैं अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, पुस्तकालय आदि। ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।